गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम। पिछले वीडियो में हमने लेट रूल ऑफ पैसिवोइस के बारे में डिस्कस किया। आज इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे डबल ऑब्जेक्ट रूल ऑफ पैसिवोइस। डबल ऑब्जेक्ट रूल ऑफ पैसिवोइस, यदि किसी भी सेंटेंस के अंदर डबल ऑब्जेक्ट आ जाता है तो उसको हम पैसिवोइस के अंदर कैसे चेंज करेंगे, ये रूल आज हम आपको बताएंगे। एक्टिव वॉइस में यदि दो ऑब्जेक्ट किसी कंजक्शन के द्वारा नहीं जुड़े हों, किसी कंजक्शन के द्वारा नहीं जुड़े हों, तब पैसिव वॉइस में जो पहला जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी जगह पे रहेगा और जो दूसरा जो ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट के स्थान पर लेके आते हैं। फर्स्ट तो ये हुआ, यदि दो ऑब्जेक्ट किसी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस के अंदर कंजक्शन के द्वारा जुड़े हुए होते हैं तो उन दोनों को हम सब्जेक्ट के स्थान पर लेके आएंगे और सेंटेंस के अकॉर्डिंग उसको पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करेंगे। इसका हम आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे वी रिमेम्बर्ड डेट एंड टाइम। वी रिमेम्बर्ड डेट एंड टाइम सेंटेंस हुआ पास्ट इंडेफिनेट टेंस का। इसके अंदर दो ऑब्जेक्ट हुए, डेट और टाइम, दोनों को कंजक्शन एंड के द्वारा जोड़ा गया है। इसको हम पैसिव वॉइस के अंदर कैसे चेंज करेंगे, जैसे डेट एंड टाइम प्लूरल हुआ पास्ट इंडेफिनेट के, पैसिव वॉइस के अंदर हम प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब वर लगाते हैं, वर रिमेम्बर्ड रिमेम्बर्ड बाई वी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे बाई अस। ये तो हुआ यदि जो दो सेंटेंस, यदि किसी सेंटेंस के अंदर दो ऑब्जेक्ट कंजक्शन के द्वारा जुड़े हुए हों तो उनको हम कैसे पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करेंगे। अगला रूल आता है, यदि किसी भी सेंटेंस के अंदर दो ऑब्जेक्ट दिए हुए हों और उनको कंजक्शन के द्वारा नहीं जोड़ा गया हो तब क्या रूल होगा, तब हम उसको पैसिव वॉइस के अंदर कैसे चेंज करेंगे। उसके अंदर होगा टू प्लस पहला ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस के वाक्य में मेन वर्ब के ठीक बाद होगा, या तो पैसिव वॉइस का जो सेंटेंस होगा उसमें पहला जो ऑब्जेक्ट है वो या तो मेन वर्ब के तुरंत बाद होगा, जैसे इसके अंदर मेन वर्ब हुई वर, या तो वर के तुरंत बाद होगा जैसे रिमेम्बर्ड, ये हेल्पिंग वर्ब हुई और ये सॉरी मेन वर्ब हुई, या तो मेन वर्ब के तुरंत बाद टू लगाकर उसको हम ऐड करेंगे सेंटेंस के अंदर, या जो ऑब्जेक्ट है उसके ठीक बाद टू प्लस पहला जो ऑब्जेक्ट है उसको, या तो हम जो मेन वर्ब है उसके तुरंत बाद टू लगाकर रखते हैं और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को लेके जाते हैं, जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बनाते हैं, या फिर ऑब्जेक्ट के ठीक बाद उसको टू लगाकर वहां पे रख देते हैं। जैसे इसका हम आपको एग्जांपल देते हैं, I told him a story। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि सेंटेंस हुआ पास्ट इंडेफिनेट टेंस का, वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, सब्जेक्ट मेन वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, ये फिर सेकंड ऑब्जेक्ट। इसमें पहले क्या बताया गया है कि जैसे इसको हम पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करते हैं, जो फर्स्ट जो ऑब्जेक्ट है उसको तो हम उसकी जगह पर रहने देते हैं, उसका नो चेंज, उसको हम सब्जेक्ट के स्थान पर नहीं लेके आएंगे, जो सेकंड ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट के अंदर चेंज करेंगे। तो ए स्टोरी, हम क्या करते हैं, ए स्टोरी वाज टोल्ड टू हिम बाई अस
बाई मी, सॉरी आई का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आई माई मी। ये तो हुआ फर्स्ट रूल कि मेन जो वर्ब है उसके बाद हम टू लगाकर सेकंड जो ऑब्जेक्ट है, सॉरी फर्स्ट जो ऑब्जेक्ट है उसको हम टू लगाकर मेन वर्ब के बाद रखते हैं। अगला रूल क्या कहता है? अगला रूल कहता है कि टू प्लस पहला ऑब्जेक्ट पेशिवोइस के वाक्य में मेन वर्ब किया तो ठीक बात हो गया, ठीक बात हो गया। इसमें तो ये बात यहाँ क्लियर हुई कि मेन वर्ब के बाद हमने टू लगाकर फर्स्ट ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दिया। अगला क्या आता है कि ऑब्जेक्ट उसके ठीक बाद टू प्लस पहला ऑब्जेक्ट, इसका जो ऑब्जेक्ट होगा उसके बाद हम टू लगाकर इसको रख देंगे, टू हिम। इसको जैसे हम चेंज करते हैं, ए स्टोरी वाज टोल्ड बाय मी टू हिम। ये हुआ सेकेंड रूल। इसमें तो क्या है, हमने मेन वर्ब के बाद रख दिया फर्स्ट जो ऑब्जेक्ट है। इसमें क्या है, जो सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट बनाया है हमने उसके बाद हम फर्स्ट ऑब्जेक्ट को लेके गए हैं टू लगा, तो इसमें पजल होने की बात नहीं है। इसको ध्यान से पढ़ें कि क्या बताया गया है। इसका कहने का तात्पर्य क्या है कि या तो पहला जो जो पैसिवोइस का जो ऑब्जेक्ट है फर्स्ट, उसको या तो मेन वर्ब के तुरंत बाद टू लगा कर रखिए, या फिर पहला जो ऑब्जेक्ट है उसको हम साइड में रख देते हैं, बाकी जो सेंटेंस बचता है उसको पैसिवोइस के अंदर चेंज करो और फिर लास्ट में टू लगा कर उसको जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसको लास्ट में रख दो। ये सिंपली आगे आता है, ये तो हुआ डबल ऑब्जेक्ट रूल। आगे आता है, यदि कोई भी सेंटेंस एक्टिव वॉइस का कोई भी सेंटेंस हो तो उसके अंदर स्मेल, स्मेल टेस्ट, टेस्ट फील, हो तब हो तो क्या रूल होगा? स्मेल टेस्ट और फील यदि किसी भी सेंटेंस के अंदर आते हैं, स्मेल टेस्ट और फील के द्वारा यदि कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसके अंदर पैसिव वॉइस को, पैसिव वॉइस में उस सेंटेंस को चेंज करते वक्त उसके क्या रूल्स होंगे, ये हम आपको बताते हैं। स्मेल टेस्ट और फील यदि सिंपल प्रेजेंट टेंस के हैं, ये हमें मोस्टली सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर ही मिलेंगे। यदि सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर हैं तो वाक्य में जो मेन वर्ब हो, जो मेन वर्ब है उसके बाद हम एडजेक्टिव हो, उसके बाद एडजेक्टिव होगी तब उसको पैसिव वॉइस में हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस इज और आर। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का सेंटेंस होगा तो उसको पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करेंगे तो इज और आर हेल्पिंग वर्ब लगेंगे, तो इसके अंदर इज और आर हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगे प्लस एडजेक्टिव प्लस वेहन प्लस जो स्मेल टेस्ट या फील है उसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो जैसे इसका हम आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे इसके अंदर स्ट्रक्चर देते हैं पहले, तो स्ट्रक्चर क्या होगा, पैसिव वॉइस के अंदर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज और आर हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगे प्लस एडजेक्टिव प्लस वेहन प्लस स्मेल टेस्ट, स्मेल टेस्ट और जो फील है इसकी थर्ड फॉर्म लगेगी, इसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी। जैसे रोज स्मेल स्वीट, रोज स्मेल स्वीट, इसके अंदर रोज है जो सब्जेक्ट हो गया, स्मेल होगा ये मेन वर्ब होगी और स्वीट है ये, इसको हम एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव कैसी हुई, जो स्मेल है वो कैसी है इसके अंदर ये बताया गया है कि जो स्मेल है वो स्वीट है, वो मीठी है, तो ये जो मेन वर्ब है इसका ये संबोधन कर रही है कि जो स्मेल जो आ रही है वो मीठी आ रही है, इसको हम पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करेंगे तब क्या होगा, जैसे
रोज रोज आर स्वीट्स स्वीट वेहन स्मेल वेहन स्मेल रोज आर स्वीट्स वेहन स्मेल रोज की गुलाब की जो खुशबू है वो तीखी लगती है जब ये हम सुगंध इसकी सुगंध लेते हैं तभी हमें तीखी लगती है मीठी लगती है। ये तो हुआ फर्स्ट रूल। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है जैसे क्वीन टेस्ट बैटर टेस्ट बैटर। इसके अंदर जो क्वीन है ये हुआ सब्जेक्ट ये हुआ मेन वर्ब और ये हुई इसकी एडजेक्टिव। इसका जो टेस्ट है वो बेटर है वो अच्छा है बहुत ही स्वादिष्ट है तो ये इसकी एडजेक्टिव हुई। तो इसमें हमने आपको क्या बताया सब्जेक्ट सब्जेक्ट क्वीन होगी क्वीन इज सिंगुलर है प्लस एडजेक्टिव एडजेक्टिव क्या हुआ बेटर बेटर वेहन टेस्ट टेस्ट की थर्ड फॉर्म क्या होगी टेस्टेड टेस्टेड ये हुआ। इसके अंदर जो सब्जेक्ट है उसको हम नो चेंज उसके अकॉर्डिंग हम पैसिवोज के अंदर चेंज करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो आएगी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की आएगी। पैसिवोज के अंदर अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अगर हम पैसिवोज के अंदर चेंज करते हैं तो उसके हेल्पिंग वर्ब क्या आते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब इज एम ओवर आ जाते हैं। इसमें आई जो प्रोनाउन है वो इन सेंटेंस के अंदर कभी नहीं मिलेगा। इसके अंदर सिर्फ इज और आर हेल्पिंग वर्ब यूज होंगी और वेहन के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं और सेंटेंस को कंप्लीट कर देते हैं। ये तो हुआ स्मेल टेस्ट और फील हो तो उसके अंदर क्या रूल होगा। आने वाले वीडियो के अंदर हम आपको नेक्स्ट रूल्स के बारे में बताएंगे कि नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा। तो वीडियो को देखते रहिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।